तो भैया आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था क्या आपको सपोर्ट मिला ये करियर परस्यू करने के लिए नहीं नहीं देखो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था लाइक like, देखो हमारे पहाड़ों में एक बात यह है ना जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पूरा करते हैं वो तो कमी नहीं छोड़ते कभी भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे अगर बच्चे को ट्रिपल ई करना है तो कुछ भी करेंगे वो पैसे लगाएंगे कहीं से भी लेंगे करेंगे लेकिन पर जब मैं कोचिंग क्लासेस गया तो मेरी समझ में आ गया था अरे पैसा बर्बाद है यार यहाँ यू नो ऐसे बिजनेस चल रहा है एक ही क्लास में डेढ़ सौ लड़के हैं तो आपको चीज़ें कितनी जल्दी समझ में आती है वो बहुत मैटर करता है उसके बाद जब मुझे समझ में आ गया था कि यार इसमें मेरा कुछ नहीं होगा मैं अगर मेरा हो भी गया तो मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है सो so, फिर मैंने जिम में ट्रेनर किया तो मैं खुश था भले मुझे दस हज़ार रुपये सैलरी मिली थी लेकिन ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ है ना और जो मेरे घर वालों से प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारी पीढ़ी में एक ऐसे बंदा मैं था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पैसे भी लगाए थे उन्होंने ट्वेल्थ में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे टेंथ में भी थे सो so, एक होप थी उनके लिए कि हाँ यार हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा ऐसे वैसा और कहीं ना कहीं देखा देखी में भी यू नो उनका लड़का कर रहे तो यार उनके लड़के ने ऐसे कर दिया तुम भी ऐसे करो तो इंडियन जो सोसाइटी है ना सच में यार बहुत अभी इतने बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं राइट क्यों आते, आते हैं वो इसलिए आते हैं घर वाले यू नो बारह तक अपने बच्चे को पूरा सिंपैथी देंगे खाना देंगे सामने पे पहनने के लिए जो मांगेंगे वो करेंगे बारह के तुरंत बाद बोलते हैं कि जा ट्रिपल ही निकाल जा नीट निकाल तो so, कैसे करेगा उसका कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग करो ना तो यू you नो know, बहुत कुछ गलत है हमारी सोसाइटी में सो so, इसलिए आजकल के बच्चे देखो यार कुछ होता नहीं है उनके पास ऑप्शन छूटते नहीं है आ, नीट नहीं निकला सुसाइड कर दी ऐसा मैंने बहुत केसेस सुने हैं बहुत सो so, वो चेंज होना चाहिए और यू you नो know, होगा इन फ्यूचर आई होप उस समय थिंकिंग अलग थी उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे आया जो मेरे सराउंडिंग वाले थे वो मुझे ताने मारते थे एक टाइम पे कि यार और का लड़ाई ऐसे वैसे नो बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम टी वी पर आया था तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया था एवरी थिंग लाइक मेरे सराउंडिंग हो गया रिश्तेदार हो गया सब में से फ़ोटो खिंचाने आ गए थे सब जो कल के दिन यू नो नेगेटिव शेड बोलते थे वही फिर अप्रिशिएट कर रहे थे पर घर वालों ने घर वालों को ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम नहीं दी थी क्योंकि मैं बहुत सी बातें शेयर नहीं करता था उनसे सच बताऊँ तो अगर मैं फ़ाइट कर रहा हूँ तो मैं बताता नहीं था तो मेरी फ़ाइट है बट जब मेरी फ़ाइट टी वी आए तो तब भी मैंने नहीं बताया था कि मेरी फाइट आने वाली है सर उनको पता चल गया था इधर उधर से सो so, मैंने कहा ठीक है भाई अब पता चल गया तो क्या कर सकते हैं, अब तो पता चलना ही है जब टीवी पे फाइट आ रही है